हरि ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम सांख्य योग के 15वां श्लोक, इसका अर्थ समझने को कोशिश करेंगे। यं हि न व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुषस्सहं सम दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। सुख दुख आदि का आश्रय होने से अंतःकरण कर्ता और भोक्ता है, इसीलिए उसी को ही चेतन भी स्वीकार करना चाहिए। यदि उसे माना भी जाए तो बंध मोक्ष के विभिन्न अधिकरणों में होने की आपत्ति होगी, क्योंकि सुख दुख आदि का आश्रय होने से अंतःकरण तो बद्ध हैं और सुखादि से रहित होने के कारण आत्मा मुक्त है। ऐसी अर्जुन की आशंका के निवारण के लिए श्री भगवान यहाँ पे कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख और दुख में समान रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विश्व के संबंध व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष प्राप्त करने के योग्य होता है। यहाँ अर्जुन की ओर से वैशेषिक मतानुसार आशंका की गई है। वैशेषिकों का अनुसार सुख दुखादि का आश्रय आत्मा है, वही कर्ता और भोक्ता तथा चेतन है। लेकिन अद्वैत सिद्धांत में सुख दुखादि का आश्रय अंतःकरण है और वही कर्ता और भोक्ता है, किंतु वह अचेतन है। उनके अनुसार आत्मा ही चेतन है, जो कि अंतःकरण से सर्वथा भिन्न है। इस प्रकार सुखादि के आश्रय होने के कारण कर्तृत्व और भोक्तृत्व के लिए वैशेषिक जिसे आत्मा कहते हैं, उसे ही अद्वैतवादी अंतःकरण कहते हैं। तो इसमें केवल नाम का ही भेद है। अतः वैशेषिक यहाँ पुनः यह कहते हैं कि अंतःकरण का कर्तृत्व और भोक्तृत्व आत्मा में आरोपित होने के कारण अंतःकरण से अतिरिक्त उसका प्रकाशक स्वतंत्र आत्मा के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं होने से आत्मा की अंतःकरण से पृथक नहीं मानना चाहिए, अन्यथा बंधन और मुक्ति एक अधिकरण में नहीं रह सकेंगे, अतः युक्ति विरुद्ध सिद्धांत होगा। क्योंकि सुखादि का आश्रय होने के कारण अंतःकरण बद्ध हो जाएगा और आत्मा अंतःकरण में भिन्न होने के कारण मुक्त रहेगा। निष्कर्षतः अंतःकरण को ही सुखादि का आश्रय होने के कारण कर्ता भोक्ता और चेतन स्वीकार करना चाहिए। यहाँ यह पुरुष स्वयं ज्योति अर्थात स्वप्रकाश होता है। इस श्रुति के अनुसार स्वप्रकाश होने के कारण स्वतः ही प्रसिद्ध जिस पुरुष को, जो वह यह पुरुष समस्त देह रूप पुरियों में हृदय के भीतर रहने वाले हैं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इससे आच्छादित न हो और ऐसी भी कोई वस्तु नहीं है जो इससे ढकी न हो। ये बृहदारण्यक श्रुति का वाक्य है। सवा अयम पुरुषः सर्वासु पुरुषु
पुरीशयो नैतेन किञ्चनानावृतम् नैतेन किञ्चना संवृतम्। इस श्रुति के अनुसार पूर्ण होने से देह रूप पुरी में शयन अर्थात व्याप्त रहने के कारण ये पुरुष कहलाता है, तथा जो सम दुख असुख है अर्थात जिस निर्विकार स्वयं ज्योति स्वरूप के लिए अनात्म धर्म और भाष्य होने के कारण दुख सुख समान है, उस पुरुष को इस श्रुति से ब्रह्मवित पुरुष की वृद्धि और ह्रास रूप सुख दुख का निषेध किया गया है। यहाँ सुख दुख का ग्रहण अंतःकरण के समस्त परिणामों को उपलिखित करने के लिए है, क्योंकि ब्रह्मवित पुरुष की यह नित्य महिमा है कि वह शुभ कर्म से न बढ़ता है और न पाप कर्म से घटता है। तो और जो धीर है अर्थात धीयम ईरयति प्रेरयति, जो बुद्धि को प्रेरित करता है, इस व्युत्पत्ति से चिदाभास द्वारा अर्थात चित प्रतिबिंब विशिष्ट अंतकरण अर्थात बुद्धि के साथ तादत्म्य वा अभेद का अध्यास होने से बुद्धि के प्रेरक बुद्धि के साक्षी आत्मा या पुरुष को यह भाव है। इसमें वह पुरुष बुद्धि के साथ स्वप्न रूप होकर इस लोक से परे चले जाता है, यह स्तुति प्रमाण है। यतो मानानि सिद्ध्यन्ति जाग्रदात्रयम् तथा भावाभाव विभागश्च स ब्रह्मस्मिति बोध्यते। तो इससे आत्मा में बंधन की प्रसक्ति दिखलाई गई है। कहा भी है जिससे सभी प्रमाण जाग्रदादि तीनों अवस्थाएं तथा भाव अभाव और उनका विभाग अर्थात सत असत का विवेक ये सिद्ध होते हैं, वह ब्रह्म में हूँ यह बोध कराया जाता है। एते सुख दुखदा मात्रा स्पर्शा ही जस्मान न व्यथयन्ति परमार्थतो न विकुर्वन्ति सर्व विकार भासकत्वेन विकारा योग्यत्वात्। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चक्षुषैर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः। ये सुख दुख देने वाले इंद्रियों और विषयों के संबंध उस पुरुष बा आत्मा का आत्मा को कभी भी व्यतीत नहीं करते अर्थात वस्तुतः विकृत नहीं करते, क्योंकि आत्मा सभी विकारों का भासक होने के कारण स्वयं विकार योग्य नहीं होता है। जैसे कि श्रुति कहती है, जैसे समस्त लोकों का नेत्र सूर्य नेत्रेंद्रिय संबंधी बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता है, वैसे ही समस्त भूतों का एक ही अंतरात्मा जो उनसे बाहर भी व्याप्त है लोक के दुख से लिप्त नहीं होता है, यह कठोपनिषद का वाक्य है। तो अर्जुन की ओर से की गई आशंका के रूप में वैशेषिकों ने यह आपत्ति की थी कि आत्मा को अंतकरण से पृथक स्वीकार करने से मुक्त आत्मा और बद्ध अंतकरण के अधिकरण भिन्न होने के कारण बंधन और मुक्ति एक अधिकरण में नहीं रह सकेंगे। यहाँ अद्वैत सिद्धांत से वैशेषिकों की इस आपत्ति का निवारण किया गया है।
अद्वैत वेदांत के अनुसार बंधन अंतकरण या बुद्धि का धर्म होने पर भी अज्ञानवश चित प्रतिबिंब विशिष्ट अंतकरण या बुद्धि के साथ तादात्म्यपूर्ण चिदाभास के साथ आत्मा का तादात्म्याध्यास होने के कारण सदा मुक्त आत्मा में ही बंधन का प्रसंग होता है। और जब यह आत्मा या पुरुष बुद्धि के साथ तादात्म्याभिमान का परित्याग कर अपने स्वरूप का अभिमान करता है, अर्थात मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ, ऐसा अभिमान करता है, तब उसे बंधन से निवृत्ति या मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार आत्मा या पुरुष को ही अध्यास के ही कारण सदा मुक्त होते हुए भी बंधन और मुक्ति प्राप्त होती है। फलतः बंधन और मुक्ति एक ही अधिकरण आत्मा में ही अध्यास के कारण निष्पन्न होते हैं। इससे वैशेषिक मत का खंडन किया गया है। अतः वह पुरुष स्वस्वरूपभूत ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से अमृतत्व अर्थात मोक्ष के लिए योग्य होता है। जो मोक्ष समस्त दुखों के उपादान ब्रह्मत्वैक के अज्ञान की निवृत्ति से उपलक्षित हैं और निखिल द्वैत के संसर्ग से रहित स्वप्रकाश परमानंद स्वरूप हैं, यह तात्पर्य है। यदि आत्मा स्वाभाविक बंधन का आश्रय होगा तो उसकी मुक्ति कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि स्वाभाविक धर्मों की निवृत्ति धर्मी की निवृत्ति के बिना नहीं होती। ऐसा भी कहा है, यदि आत्मा कर्तादि रूप हो तो उसकी मुक्ति की इच्छा मत करो, क्योंकि सूर्य की उष्णता के समान भाव पदार्थों का स्वभाव कदापि निवृत्त नहीं होती है। आत्मा कर्तादि रूपश्चेन मां कांक्षी तरहि मुक्तताम न ही स्वभावो भावानाम व्यावर्ते तो उष्ण्यवद्रवे इति। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जिनकी स्थिति प्राग भाव को सहन नहीं करती अर्थात जिनकी स्थिति अनादि होती है, उन एक साथ रहने वाली सभी विशेष गुणों की निवृत्ति धर्मी की निवृत्ति के बिना नहीं होती। आत्मा में बंध स्वाभाविक नहीं है किंतु बुद्धि आदि उपाधि के कारण है, जैसा कि श्रुति कहते हैं इंद्रिय और मन के सहित आत्मा भोक्ता है, ऐसा मनीषी लोग कहते हैं। बुद्ध्याद्युपाधिकृत आत्मेन्द्रिय मनोजुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। यदि यह कहे कि ऐसी स्थिति में तो आत्मा के रहते हुए भी औपाधिक बंध की निवृत्ति होने से उसकी मुक्ति उपपन्न हो सकती है, तो यह आश्चर्य है कि जो स्वधर्म को अन्ननिष्ठ होकर भाषित कराती है वह उपाधि है, ऐसा स्वीकार करना से यही निश्चय हुआ कि बुद्धि आदि उपाधि स्वधर्म बंध का आत्मनिष्ठ होकर भान कराती है। इस प्रकार आत्मा के बंध को असत्य स्वीकार करने से तो तुम भी हमारे ही मार्ग में आ गए। स्फटिकमणि का में जपाकुसुम की सन्निधि के कारण जो अरुणिमा होती है वह सत्य नहीं होती। अतः समस्त संसार धर्मों से असंग होने पर भी आत्मा में उपाधिवश ही सांसारिक धर्मों से संसर्ग का प्रतिवास ही उसका बंध है। आत्मस्वरूप का ज्ञान होने से तो स्वरूप ज्ञान और अज्ञान की कार्यभूता बुद्धि आदि
उपाधि की निवृत्ति होने से उसके कारण होने वाले संपूर्ण भ्रम की निवृत्ति से भाष्य जनित समस्त अध्यास के निरस्त हो जाने के कारण पूर्ण आत्मा के शुद्ध और स्वप्रकाश परमानंद रूप होने से स्वतः ही उसका कैवल्य रूप मोक्ष सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार बंध और मोक्ष के विभिन्न अधिकरणों में होने की आपत्ति नहीं होती, अतएव नाम मात्र में ही विवाद होगा। यह पूर्वोक्त विवाद भी निरस्त हुआ, क्योंकि भाष्य और भाषक की एकता नहीं हो सकती। दुखी अपने से भिन्न भाषक के द्वारा भाष्य होता है, भाष्य होने के कारण घट के समान, इस अनुमान से भी जो भाष्य है उसकी भाषकता कभी नहीं देखी जाती। यदि एक ही वस्तु में भाष्यता और भाषकता रहेगी तो एक वस्तु में कर्तृत्व और कर्मत्व दोनों भावों के रहने पर विरोध उपस्थित हो जाएगा। यदि यह कहे कि आत्मा भाष्य और भाषक दोनों क्यों नहीं है, तो इसका यही समाधान है कि आत्मा की तो मात्र भाषकता ही स्वीकार की गई है, भाष्यता नहीं। मैं दुखी हूँ इत्यादि वृत्ति सहित अहंकार के भाषक होने पर उसका भाष्य कोटि में प्रवेश कदापि नहीं हो सकता। अतएव ऐसा अनुमान भी नहीं किया जा सकता कि दुखी अपने से भिन्न किसी अन्य भाषक की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि वो भाषक हैं दीपक के समान। क्योंकि अपने से भिन्न भाषक के सिद्ध करने वाले भाष्यत्व हेतु के द्वारा सत प्रतिपक्ष हो जाता है। यदि यह कहे कि बुद्धिवृत्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भान स्वीकार न करने के कारण बुद्धि ही भान रूप है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो समस्त देश और काल में अनुस्यूत और भेदक धर्म शून्य होने से विभु नित्य एक ही है, वो भान अनित्य परिचीर्ण अनेक रूप बुद्धि परिणाम रूप नहीं हो सकता। तथा उसकी उत्पत्ति और विनाश आदि की जो प्रतीति होती है वह तो अवश्य कल्पनीय विषयों की विषयता से भी हो सकती है, अन्यथा तत् तत् ज्ञान के उत्पत्ति और विनाश रूप भेदादि की कल्पना में अति गौरव की आपत्ति होगी। इस प्रकार दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। आत्मा आकाश के समान सर्वगत और नित्य है। वह महद्भूत सद ब्रह्म अनंत अपार विज्ञान घन ही है। वह यह ब्रह्म अपूर्व अनपर अनंतर अवैह अर्थात कारण कार्य रहित और अंतर बाह्य भाव शून्य है। यह आत्मा सभी का अनुभविता अर्थात साक्षी ब्रह्म है। इत्यादि श्रुतियां भी आत्मा की विभुता नित्यता स्वप्रकाश ज्ञान रूपता दिखाती हैं। इससे अविद्या रूप उपाधि से भी आत्मा की भिन्नता सिद्ध हो जाती है। अतः सत्य आत्मज्ञान से असत्य उपाधि के कारण प्रतीत होने वाले बंध रूप ब्रह्म की निवृत्ति हो जाने पर मुक्ति हो जाती है। पुरुष और सब इस प्रकार संबोधन करते हुए भगवान अर्जुन से यह कहते हैं कि तुम स्वप्रकाश चैतन्य रूप से अपने पुरुषत्व और परमानंद रूप से आत्मा का रुषभत्व अर्थात संपूर्ण द्वैत की अपेक्षा श्रेष्ठत्व को न जानते हुए ही शोक कर रहे हो। अतः आत्मस्वरूप के ज्ञान से ही तुम्हारे शोक की निवृत्ति शुकर है, जैसे कि आत्मवित शोक को तर जाता है। तरति शोकम आत्मवित, ये छांदोग्य का वाक्य है। यहाँ पुरुषम इस एक वचन से सांख्य पक्ष का निराकरण किया गया है, क्योंकि वे पुरुष बहुत्व को स्वीकार करते हैं।
यहाँ पर शंका होती है कि अच्छा स्वीकार कर लेता हूँ कि पुरुष एक ही है, तथापि उस सत्य पुरुष का जड़ दृष्टत्व रूप संसार तो सत्य ही है। इस प्रकार शीतोष्णादि सुख दुख के कारणों के रहने पर उनका भोग आवश्यक होने के कारण और सत्य संसार का ज्ञान से विनाश हो सकने के कारण तितिक्षा कैसे होगी? अथवा वह साधक या धीर पुरुष मोक्ष प्राप्त करने के योग्य कैसे होगा? यहाँ पे समाधान है, ऐसा नहीं है, क्योंकि समस्त द्वैत प्रपंच और विश्व आत्मा में कल्पित ही है, अतः आत्मज्ञान से उसका विनाश होना संभव ही है। जैसे कि सिपी में कल्पित रजत अर्थात चांदी का सुक्ति ज्ञान से विनाश हो जाता है। हरिशरणम कृष्णम वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुं कृष्णम वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुं प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।